हम छोटे व्लॉगर हैं। अरे यार, अंकल व्लॉगर है और ये अंकल व्लॉगर है और ये छोटे व्लॉगर है और ये सबसे छोटे व्लॉगर है। जल्दी करो, लेट हो रहे हैं यार। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। भाई अनंतपुर साहब से निकलने का टाइम आ गया, हम जाना चंडीगढ़। पहले था कि हम जो मंदिर है वो देखेंगे, पर अब टाइम नहीं बचा है तो मंदिर नहीं जा रहे। कौन से मंदिर है? नैना देवी टेम्पल नहीं जा रहे हम। बोलिए तो हम निकलेंगे जयपुर के लिए कल सुबह, इधर निकलेंगे आज रात को, तो देखते जो भी है कैसा होता है क्या नहीं होता। और ये जो है वोटी नहीं है भाई, मजाक कर रहा था। ये बिस्किट चाय में डुबोया ना, डिप किया तो गिर गया था बेड पे, तो मैंने उसको ऐसे फेंका ना तो ऐसा लग रहा किसी ने दीवार पर पॉटी कर दी। मैंने एक जो सकता चाचू ने पॉटी कर दिया तो वो हंस रहा उसको देख के। ऐसा नहीं है, मजाक वाली बात है। रोने जल्दी। आप कार्ड रख देंगे ना, जो भी रखना। चल सामान कार्ड लोड कर देने, उधर बाद फिर आप लंगर चख लेंगे और फिर आप चलेंगे सीधे चंडीगढ़। ठीक है, गड्डी बाहर खड़ी है। सबसे पहला काम है सामान रखना कार के अंदर, उसके बाद जाना है लंगर चखना, उसके बाद फिर हम मथा टेक के मूव करेंगे अनंतपुर साहब से। अनंतपुर साहब को करेंगे बाय बाय और फिर आएंगे नेक्स्ट ईयर। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो वेलकम चंडीगढ़ भी तय है फिर। वेलकम चंडीगढ़। योर हेड, माइंड योर हेड। हां नीरा सिरत, माइंड योर हेड। चुके ना बंदा, वेलकम टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ आगे गिर जाएगा। पतली गली है, ध्यान से। भाई रॉक गार्डन अंदर रॉक ही रॉक है सारे पास से, इधर रॉक रॉक। ओ अरे स्विच ने बना रखे है, दूर लग रहा है हड्डियां ला रखी है किसी ने, कंकाल दी हड्डियां। देखो की है पता है, स्विचेस ही बहुत दीवार बना रखी है पूरी है। आ देख रॉक गार्डन चाहे एक जोत तो है, मजा आ रहा रॉक गार्डन। देख गिरना जी है कि स्विमिंग पूल है। वाओ पर्दे वाली दीवार है, इधर कुछ नहीं। नाना गिर जोगी इधर की है एक जोत, स्विमिंग पूल है। चल कुछ जा अंदर, पास के कुछ जा, पहले आप जाओ। अरे क्या छोटा घर बना रखा है, बहुत छोटा जा। सब देखिए देखिए जा तुम, जा पाँच जल्दी जा। डैडी आइसक्रीम, कितना छोटी छोटी पौड़ियाँ हैं ना। अरे ये भी स्टैम्प ही है इधर, रॉक गार्डन वाटरफॉल भी है। अरे वाह, छोटा वाटरफॉल है पर है मस्त एकदम शानदार वाला। अरे भाई जोत, पत्ता गोभी बनती है ना वैसे, इधर अंदर दिखाओ ना, अंदर दिखा पे ऐसा, अंदर कुछ भी नहीं है। एक जोत गुफा है अंदर, हाँ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी गुफा है, छोटी नहीं सबसे छोटी। एक और वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत शानदार। गिरना जी आगे पीछे रहे तो कुछ ऐप करो, गिर जाओगे पानी अंदर, फिर कौन सकती है तुम। आ जाएगा आप ही, चल जाके दिखा फिर। ये सिरत, तो जानता है यार हनी इधर। अच्छा मैं चेक करके आ रहा हूँ अंदर रास्ता है क्या नहीं, गुफा में कुछ है। गुफाज कुछ नहीं है। ओ बंद है, रास्ता बंद है, कोई मतलब नहीं है। पतली गली है, चलो। ये ट्यूब है। ऐसे पतली गलियां बना रखी है एक जोत, पतली गली बना रखी है गुफा टाइप। आइसक्रीम खा देंगे एक जोत में, जो प्रॉमिस कर रखे है। नेक्स्ट पॉइंट कड़ा एग्जॉस्ट होम की दिखाएंगा। ऊपर देखो लेफ्ट साइड से ग्रीन और पेड़ लगे हुए, हाथ लगाओ
अरे राम छी, गोबर नहीं है। एक छोटा सा फॉल ये भी है। चैनल एक जोत हेमकुटा वाला फील आ रहा है, आवाज सुन के ना इतना तेज पानी आ रहा है, देखो नदी बह रही हो। किधर जाना है एक जोत? चल फिर आ रहा है। कितने उत्ते? उत्ते जा रहे हैं? चल। मेरा पैर दुखता है बेटा। कोई बात नहीं ना। कोई बात नहीं? मेरा पैर सारा खराब, कोई बात नहीं। अरे कर चला करो। ये एक जब हम आ गए गुफा में, छोटी सी गुफा है देखो। एक जब मजा आ रही है, देख 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 शानदार। रुक जा, मैं उतरूंगा पहले। आप छोड़ो। रॉक गार्डन देखा है कम से कम नहीं तो 15 साल बाद। काफी सारी गुफाएं में ये गुफा 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 एक और गुफा आ गई। हन्या के जा रहा हूँ, एक आंटी कह रही देख देख अंकल आ रहे हैं, साइड हो जा। अंकल अंकल पत्थर पर डिजाइनदार वैसे लगा रखी है। किधर जा रहे हैं जोत? अंकल अंकल फोटो अंकल स्माइल छीरवा मेरा छोटा बेबी की कर रहे हैं, की कर रहे हैं साफ ले घेर गया देख पतली गली ध्यान से। कृपया दीवारों पर ना लिखे डिफॉल्टर विल बी फाइंड रुपीज 100। निकलो नास्ते चुके इधर आया, निकल जो इस कुछ खुला खुला एरिया आ गया। डायनासोर फटी है मैरिज गार्डन है, मैरिज गार्डन नहीं है एक्चुअली, जो जगह खाली दिख रही है ना इसको तो जिक्र कर रहे हैं मैरिज गार्डन। चलो बस 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 इतने जाना हुआ। फिर छोटा है, फिर छोटा है, अपना सिर बचाए। ये बड़े ब्लॉगर हैं और हम छोटे ब्लॉगर हैं। अरे यार अंकल ब्लॉगर हैं और ये अंकल ब्लॉगर हैं और ये छोटे ब्लॉगर हैं और ये सबसे छोटे ब्लॉगर हैं। अरे यार कितने का लगने लगे जो तू मुझे पकड़ा। अगेन 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 माइंड योर हेड, माइंड योर हेड, माइंड योर हेड। एक और आ गया सर, झुक के चलो। और टॉयलेट नहीं है, पोटी ना कर दी इससे जब 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 कर दी कर रखी यार देखो क्या क्या बना रखा है ना पूरे रॉक ही। ये वाले बोर्ड है ना जो बिजली के मतलब बिजली के प्लग है जो जो वेस्टेज है ना। बहुत छोटी गुफा, कैसे निकले छोटी गुफा से? अब ये तो बहुत ज्यादा छोटा है यार, मेरे तो पाँव में भी दर्द है। हाँ हाँ ठीक हो तुम दोस्त? ठीक हो, मजा आ रहा है। उत्थे क्यों नहीं गए? किड़ा मंदिर है वो नैना देवी? क्यों नहीं गए? मम्मी डर गई, पता कह रही है चढ़ाई तो पहाड़ी अंदर, कहते मैं नहीं बैठना कार में, मेरे तो विश्वास नहीं है। हाँ ओदा विश्वास कर लेंगी, मेरे तो नहीं कर रही। इको तेरे वर के जो आंख देख, एक छोटा बेबी है ना और छोटा बेबी टूटू छोटा बेबी पहली बार मिली इसमें आराम से निकल पा रहे। कितने सारे बना रखे हैं यार ये एनिमल्स देखो पूरे यहाँ पर। एक घंटे तो मेरा जी काला कर रखे ने कि तेन चाहिए कि एक जोत एक घंटा हो गया कि आइसक्रीम पहले तो निकल के दिखा, निकल गया तो यार वापिस आके दिखा, वापिस आके दिखा एक बार। मेरी गल मान ली तो आइसक्रीम पक्की है दी वैसे चूड़िया जो जो कहते हैं वेस्टेज टुकड़े उस बना रखे देख आइसक्रीम खावांगे बाहर चल के। और जयपुर पहुँचना है फिर कदों पहुँचेंगे जयपुर? सवेरे कल कल सवेरे ना। पता है हर जगह बोर्ड लगा हुआ कि भाई दीवारों पर ना लिखे, और ये देखो भाई जब लिखा हुआ है कि भाई वहाँ दीवारों पर ना लिखा था, क्यों लिखते हो यार? मत लिखा करो यार। सबसे छोटा गेट अब तक का
एग्जिट भैया ये बाइक मैं देख लूंगा हाथ लगाओगे चैन बेरिंग देख ले पता देखो इसमें ना जो व्हील है ना चैन से बने हुए और हैंडल कुछ तार वार से बनी हुई है और जो हेडलाइट है ना बोल्ट से बनी हुई है और टैंक भी कुछ बाइक का सामान है ये देखो मस्त और ये देखो बोल्ट भी लगे हुए हैं इंजन के इंजन जो बना रखा ना बोल्ट से बना रखा है बहुत कीमती चीज़ें रख दे पता है एक जोत को मैं ना आइसक्रीम नहीं दिला था तो डैडी के साथ चला गया वो कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो वो ले गए उसको अब जाके पूछता हूँ मैं कि कैसे खाई उसने आइसक्रीम खाई भी नहीं खाई या खुश हुआ या नहीं हुआ चंडीगढ़ को छोड़ते हैं चंडी को बाय बाय करते हैं और चलते हैं जयपुर के लिए रात भर जर्नी अगेन रहेगी जैसे हमने शिमला वाली रही थी और एक बार एक जोत को मिलते हैं एक जोत तू आइसक्रीम खा रहा सी अच्छा खाई नहीं क्या आइसक्रीम अच्छा चल हाँ अपा चंडीगढ़ में बाय बाय करेंगे बाय बाय चंडीगढ़ बाय बाय रॉक गार्डन कर दो बाय बाय रॉक गार्डन जीप पे रखो गायब गायब आ करो हाँ यार गायब हो गया था अब हमारा प्लान ये है कि अभी बज गए हैं 5:05 सीधा रातों रात चलते जयपुर पहुँचना है एक बार रुकेंगे डिनर के लिए गाड़ी में डीजल फुल है उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक बार रुकेंगे चाय के लिए तो ये सब हमारा अभी आने वाला प्रोग्राम रहेगा और कल सुबह तक का कल सुबह जयपुर में एंटर हो जाएंगे हम और जो कुछ बच्चे कुछ काम है वो जयपुर में निपटा लेंगे और बाकी फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे एक गल दस आइसक्रीम तो क्यों नहीं खाई आपने दिलाई नहीं दादू ना रहे थे दादू कैसे आइसक्रीम दारूंगा तुम नहीं दिलाई ठीक है रे आप खिलाओगे तो दादू नहीं खुआएंगे और ओह सब जो सारे जने तुम देख रहे हम लोग पुस्तले खाऊंगे क्या पूछता हूँ कह रहे चल शेयर कर दो सब कि खा लो प्लीज़ थोड़ा सा खा लो खा लो सब फिर आप खा रहे हैं सब कह थोड़ा मैं खा दे ओ सारा याद आया कार में बैठ के हमने बहुत तगड़ा छाता लेके आया बोलो छाता जैसे गोवा के अंदर बीच के ऊपर लगे रहते हैं ये देखो ये रहा ये जयपुर हवा पता है खोल के उसको टी ब्रेक कुरुक्षेत्र पे हम रुक गए हैं पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है उतरने में और बैठने में मुझे किसी के अंडे की ज़रूरत पड़ती है और मैं सीधा नहीं खड़ा हो सकता जब कंटिन्यूस ड्राइव करके आए 200-500 हज़ार किलोमीटर जितना भी चला दें ड्राइव करते हैं उसके बाद में कार को एकदम से बंद नहीं करें हल्का सा नॉर्मल होने दें थोड़ा सा थ्रॉटल दें उसके बाद में 30 या 40 सेकंड्स बाद में बंद कर दें डीजल इंजन तो ज़्यादा तरीके से ध्यान रखने वाली चीज़ है 15-20 मिनट का ब्रेक लिया है चाय के लिए मम्मी को मैंने पूछा थक रहे हो कह रही मैं थक भी रहा हूँ तू क्या करेगा बात तो ठीक है यार और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है 7:15 तो उम्मीद है 2 या 3 बजे तक हम शायद जयपुर पहुँच जाएंगे उनके लिए क्या है आ क्यों ले आए देखो नई नई चीज़ आता रहता है मतलब इसको ना हर एक शॉप पे हर एक पॉइंट पे हर एक जगह के ऊपर एक नई चीज़ सी होती है पता नहीं क्यों ये इतने पैसे वेस्ट करता है यार मैंने भाई अपना प्रॉमिस पूरा करना शुरू आइसक्रीम दिला दी कुल्फी दिलाई मैंने सीरत मजा आ रहा है बबल्स में कितना मजा आ रहा है पता है जो बबल्स उड़ रहे हैं ना उसके अंदर इतनी अच्छी लाइटिंग आ रही है सब तरफ से बॉर्डर इतने बढ़िया बन रहे हैं खूबसूरत से जितने रिफ्लेक्शन है जितने सामने ये बल्ब लगे हुए हैं सारे 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 इस समय बबल्स में दिख रहे हैं मैं दिखाता हूँ देखो ये रहा देखो वन मोर इसी में मजा आ रही है साझा चूल्हा और एक अमंस करके रेस्टोरेंट आ गया भाई दो ना एक नंबर है हम जब भी आते हैं ना इस तरफ तो या तो साझा चूल्हा पे रुकते हैं और या रुकते हैं अमंस वाले के तो अभी आज अमंस वाले का ना रुके हम रुके साझा चूल्हा पे अभी आओ ना हाईवे के ऊपर तो ये है कुरुक्षेत्र से पहले और अम्बाला के बाद में लेफ्ट साइड पर आते हैं हम जब दिल्ली के लिए निकलते हैं तब चलो अब चलते हैं चलना चाहिए अब हमें मैं थक रहा हूं एकजोत तू ड्राइव कर ले कार दो चांटे बन गए बदतमीज़ी 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 दादी अपने पुत्ते को संभाल लो